क्या बात है, तू तो फुल हीरो शीरो बन के आ गया। देख हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी, देख प्लीज पीछे नहीं, हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी, नहीं मैं नहीं सुनता, लड़ाई हो जाएगी हमारे बीच में, देख ले लड़ाई हो जाएगी। पुलिस आ गई है सामने गाइस, बाइक के अंदर ना पेट्रोल अभी ही मैंने ना आके यहाँ पे फुल करवा लिया है, तो ये गर्मी वैसी बहुत ज्यादा। मैं ना छोटी सी वीडियो बना रहा था, मैंने कहा दिखाऊं कि भैया ने बहुत बढ़िया काम करा हुआ है, एक नए ट्रिप की तैयारी करनी है, बट तैयारी करने के लिए ना ये वाला जो एक नए ट्रिप की तैयारी करनी है बट तैयारी करने के लिए ना ये वाला जो अपना बैग है ये बहुत ही गंदा हुआ है, क्योंकि भैया ये बहुत सारी जगहों पर घूम फिर कर अभी आया है ना, जैसे आपको पता ही है कि हम हेमकुंड साहब होकर आए थे, तो ये भैया बहुत गंदा हुआ है ये देखो। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रही कि इसको मैं साफ कैसे करूं, वैसे मैंने अपने पास ना यहाँ पर पानी और ब्रश लिया है, इससे हल्का हल्का इसको मार के देखता हूं, क्या पता साफ हो जाए, क्योंकि ये वाटर प्रूफ वाला फैब्रिक है, ये बेसिकली एडवेंचर ट्रैवलिंग वाले बैग है, तो ये बहुत सॉलिड वाले हैं, बट यार गंदा हो गया ना, अब साफ करना नहीं आता मेरे को, इसको कैसे साफ किया जाए, कोशिश करता हूँ पानी से हल्का हल्का ब्रश मार के देखता हूँ या साबुन डाल के देखता हूँ, जैसे भी साफ होता है ना आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे को वैसे साफ करना नहीं आता यार, मैं नालायक हूँ। बैग वगैरह मैंने दोबारा से पैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक दोबारा से एक नया ट्रिप और एक नई चीज होने वाली है लाइफ के अंदर, मतलब कुछ नया आपको इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं, तो वही वाला सीन है, वो चीज दिखाते हैं। और उससे पहले एक चीज बताऊं कि अभी हेमकुंड साहब से वापस आ गया ना यार, तो थकावट बहुत ज्यादा वाली हो रही है अभी भी ना, पैरों की दर्दें और बैक की दर्द ना जा नहीं रही, और बॉडी भी ना एक तरीके से ना बहुत ज्यादा वाली मेरी लो फील कर रही है। सो मुझे ना किसी ने रिकमेंड किया था ये फास्टन अप कैफीन करके ना, ये टैबलेट्स होती हैं, कभी कभी अगर आप ये टैबलेट ले लो ना तो आपकी बॉडी को जिंदा घोड़े की तरह काम करने लग जाती है। सो आज मैं ये टैबलेट लेने वाला हूँ, टैबलेट कुछ नहीं होती है, जस्ट दिखाता हूँ कैसे होती है। इस टाइप की ना इसके अंदर एक मेडिसिन होती है, इस टाइप की एक एक गोली होती है इसके अंदर, और इसको ना हम पानी के अंदर डाल देते हैं, और पानी के अंदर डालने के बाद ना ये कुछ इस तरीके का कलर बन जाता है, और थोड़ा सा ना फिज फिज बन जाती है। देखो ये जो टैबलेट है ना वो इसके अंदर मेल्ट हो रही है, बट इसका टेस्ट बहुत बढ़िया वाला होता है। देखो मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये चीजें आप लेना शुरू करो, मैं तो जस्ट अपनी चीज दिखा रहा हूँ कि देखो मैं ये चीज कभी कभी ले लेता हूँ, बिकॉज जब मेरी बॉडी बहुत ज्यादा डाउन और लो फील कर रही होती है, बिकॉज ये कैफीन है, कैफीन इज लाइक अ कॉफी है ना, तो कॉफी वाला ही है, बाकी ये थोड़ा सा ना फ्लेवर बेस्ड है, सो इसके चक्कर से ना अपने को ये थोड़ी सी ना पीने में ना सही लगती है, तो इसको पीते हैं इंजॉय करते हैं। ये मेरे लिए ना एक तरीके से ना मेरा चार्जर का काम करती है, तो इससे अपनी बॉडी थोड़ी सी चार्ज हो जाती है, क्योंकि आज काम बहुत सारे वाले हैं। और गाइस यहाँ पे टेम्परेचर चेक करो भाई, 42 डिग्री है, फील लाइक 44, और सच्ची में ना यार गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया, मेरे को लग रहा है कि मैं कहीं आ गया, बहुत ज्यादा गर्मी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है आज। यहाँ देखो हमारे को ठंडा ठंडा प्रसाद मिल गया, ये गर्मी वैसी बहुत ज्यादा लग रही थी मेरे को, तो चलो थैंक यू। आज ना एक्चुअली में शहीदी गुरपुरब है, और आज के दिन ना वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा वाली होती है, तो ये ठंडा ठंडा प्रसाद मिल गया ना, पी के मज़ा आ गया। बट दिल्ली के अंदर ना यार आज बहुत गर्मी लग रही है, कि जो मेरा कड़ा है ना ये भी ऐसे ना गर्म हुआ है, ऐसे तप रहा है कि इसके ऊपर ना रोटियाँ सिक जाएँ, ये भी सच्ची में बहुत गर्म है यार, हालत ख़राब हो रही है मेरी आज बहुत ज़्यादा वाली। यहाँ पर हमारे भैया जी है, उनका बड़ा ही सही इनिशिएटिव है डॉग्स के लिए, इनिशिएटिव है डॉग के लिए कि खाना भी रखा, पानी भी रखा, और धूप से बचने के लिए ना ये भी चीज़ डाल दी है, और डॉग का मन करे यहाँ बैठे, डॉग का मन करे यहाँ बैठे, और अपनी दुकान के बाहर ही इन्होंने ये वाला सेटअप लगाया हुआ है। बट यार इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो प्लीज़ यार आप लोग ना स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, स्ट्रीट बर्ड्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए पानी एटलीस्ट ज़रूर रखो यार अपने घर के बाहर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज टेम्परेचर इस टाइम पे ना बहुत हाई है यार। ये जो आप डॉग देख रहे हो ना, जैसे इसकी जीभ ऐसे करके बाहर निकल रही है और ऐसे हाँफ रहा है, ये बेसिकली इस करके हाँफ रहा है बिकॉज इसको ना गर्मी लग रही है। तो जब भी आपको डॉग जैसे दिखेंगे ना, आप समझ आना कि भैया इनको गर्मी लग रही है और इनको पानी की ना बहुत ज़्यादा नीड है। सो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो में ना यार ये चीज़ बताता हूँ, और इन बेचारों के लिए ना और कुछ मत करो, मारो मत, और एक पानी पिला दो गर्मियों के दिनों में, ये बहुत ही बड़ा वाला पुण्य है यार। मैं ना छोटी सी वीडियो बना रहा था, मैंने कहा दिखाऊं कि भैया ने बहुत बढ़िया काम करा हुआ है डॉग्स वगैरह के लिए, कि उनको पानी वगैरह पिलाते हैं, तो यार ये बहुत अच्छा मैसेज है, मैसेज अच्छा है, लेकिन पता क्या है, हाँ जी सेवा करती है हमारे सामने गली वाली है, F26 में एलईडी, हाँ जी हाँ जी, ड्रम ला के पूरे प्रॉपर गद्दे शद्दे लगा के, हाँ जी इनके पर्दे शर्दे लगा के। अच्छा नहीं मैं बताऊँ, एक्चुअली में ये मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, मैं ना यूट्यूब वीडियोस बनाता होता हूँ, तो उसके अंदर जस्ट एक लाइक आपका ये जो एक छोटी सी चीज है ना कि एटलीस्ट बंदा पानी पिला दे उतना ही बहुत है, लोग मारते हैं ना वो ना करके, एक जस्ट एक गर्मी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा वाला इस टाइम पे अप हुआ हुआ है ना, तो एक बंदा एक इनके लिए पानी का बर्तन घर के बाहर रख देना उतना ही काफी है, बड़ी बड़ी सेवा ना करे, सोच है ना बड़ी हल्की है। हाँ। मेरे घर पे ना ऊपर बड़े बड़े मैंने ना दो रखे हुए हैं, ओके, उसमें पीने का भी है, उसमें आगे गर्मी इतनी है उसमें नहाते भी हैं, अरे और दो बार पानी चेंज होता है, अरे वाह बहुत बढ़िया है, चेक कर रहे हो लोगों की सेवा, बट कुछ लोग मारते हैं ना यार, तो उनको देख कर ना दर्द होता है यार,
कि डॉग्स को ऐसे मारा ना करें यार वो। ये देखो यार, ये हमारा कालू है, ये बहुत ज्यादा नखरे करता है, इसको कुछ भी खिला दो ना जल्दी से खाएगा नहीं। खाले यार, खाले खाले, ए ले खाले, खाले यार खाले। ये देखो नखरे करता रहेगा, नहीं खाना नहीं खाना। क्या खाएगा, पेडिग्री खाएगा? तेरे लिए पेडिग्री ली है मैंने, चला आ जा पेडिग्री खिलाऊ तेरे को। खा ले बेटा, ये ले खाओ, खालो खालो खालो, आ जाओ हेलो खाओ। अच्छा ये तो खा ले, ये तो खा ले यार, खा ले, मुँह बंद मुँह बंद। हाय हाय, नखरी करेगा, मन मर्जी दिखाएगा। चलो कोई नहीं, अभी हम ना गुरुद्वारा साहब चलते हैं, ठीक है? फिर वापस आके ना तैयारी करनी है, क्योंकि कल सुबह निकलना है। बाइक के अंदर ना पेट्रोल अभी ही मैंने ना आके यहाँ पे फुल करवा ली है, तो पेट्रोल ऑलमोस्ट फुल हुआ है। यहाँ पर अपना टैंक 911 रुपए का 9.5 लीटर के अप्रॉक्सीमेटली, और थोड़ा बहुत पहले पड़ा हुआ था, मतलब मोटा मोटा ये जो टैंक है ना 11-11.5 लीटर का टैंक है, तो इसमें इतना ही पेट्रोल आता है। पुलिस आ गई है सामने, गाइस पता नहीं किस बात पे ना यहाँ पे लड़ाई हो गई है, और लड़ाई लड़ाई के चक्कर में ना पुलिस बुला ली है। देखो मैं पास आके वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, बट वैसे ही यहाँ पर खड़ा हुआ था तो मैंने कहा वो भाई ये पुलिस क्यों आ गई है, और कुछ तगड़े वाला ही क्लेश हुआ है। थोड़ा पास चलते हैं, देख लेते हैं। वैसे वो जो लड़ाई सामने हो रही है ना, वो दो पीने वालों के बीच में लड़ाई हो रही है। मतलब यार इंसान जब पीता है ना तो फिर कभी कभी ऐसे वाला काम हो जाता है। मैं नहीं कहता कि सब लोग लड़ते हैं, बट मैक्सिमम टाइम इंसान पीने के बाद ना चौड़ा हो जाता है, फिर वो सामने वाले को कुछ समझता नहीं है, और जब दोनों एक दूसरे को कुछ समझेंगे नहीं तो भैया फिर लड़ाइयाँ तो होंगी होंगी ना। बाकी अभी इस टाइम पर ना मैं यहाँ पर ना किसी की वेट कर रहा हूँ, उसने मेरे को ना मेरे डॉग्स के लिए ना कुछ मेडिसिन वगैरह देनी है, बिकॉज मेरा डॉग ना थोड़ा सा बीमार है, तो मैंने उसको कॉल करी है और वो मेडिसिन लेके आ ही रहा है। वो आ गए सर हमारे साथ, आ जाओ आ जाओ, रुको मत। ये आ गए हमारे डॉक्टर साहब। देख हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी, देख प्लीज पीछे। नहीं हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी, नहीं मैं नहीं सुनता, लड़ाई हो जाएगी हमारे बीच में, देख ले लड़ाई हो जाएगी। मैं वीडियो बना लूंगा तेरी, मैं तेरी वीडियो बना लूंगा, मैं तेरे को एक्सपोज कर दूंगा। सुना यार सुना सुना, ओके। पुलिस ना लेगी उनको जिनके बीच में लड़ाई हो रही थी ना, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लेगी, बिकॉज यहाँ पे ना लड़ाई बहुत ज्यादा वाली हो रही थी, और हमारी लड़ाई क्यों हो रही थी मैं बताता हूँ। हमारी लड़ाई इस चक्कर से हो रही थी एक्चुअली, मैं ना मैंने डॉग की ना मेडिसिन मंगवाई थी, भाई वो सामने जा रहा है तो उसको मैं बोल रहा था कि भाई पैसे ले ले, वो कह रहा था नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा, तो मैंने बोला यार प्लीज़ पैसे ले ले, सेवा ही सही मेरी तरफ से थोड़े, मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा था बट वो ले नहीं रहा था। बट एक्चुअली मैंने को ये मेडिसिन चाहिए थी क्योंकि मेरे डॉग्स को ना काफ़ी सारे टिक्स हो गए हैं, ये मेडिसिन मंगवाई थी। और ये जो भाई है ना, ये सारी रात फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना उनको फ्री में मेडिसिन खिलाता है, इंजेक्शन वगैरह लगाता है, क्योंकि ये बेसिकली बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, तो इसलिए ना यार इसको सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो ये ना स्ट्रीट डॉग्स की बहुत ज़्यादा वाली सेवा करता है। सो इसके चक्कर से मैंने इसको कॉल करी थी, ये मेडिसिन मंगवाई थी मैंने इसे। बाकी अब घर चलते हैं, डॉग्स को मेडिसिन वगैरह खिलाएंगे और उसके बाद ना अपनी आगे की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल सुबह निकलना है। आओ काली, अले आ जा, अरे अरे तो भागी जा रही है। काली आ जा, काली काली आ जा। ये देखो ये जो डॉग है ना, इसकी बॉडी के ऊपर है देखो कितने सारे टिक्स हुए हैं, ये सारे टिक्स हैं बेसिकली, तो ये मेडिसिन इसके लिए। नो जरा जरा इसको ना दवाई खिला दे पहले हम। तो बड़ी मुश्किल से ना इसको मैंने दवाई खिलाई है, इसके मुंह में डाल दी है, ये देखो यार ये कितने सारे इसके ना टिक्स हो गए हैं, बट दवाई खिलानी जरूरी थी इसको, तो अब ये ठीक हो जाएगी। चलो अरे यार बड़ी मुश्किल से ना मैंने उस डॉग को ना मेडिसिन खिलाई है, क्योंकि ना वैसे ज़्यादातर ना डॉग मेडिसिन खाते नहीं है। उनको खिलाने का तरीका ना, या तो आप उनको चिकन वगैरह के साथ खिलाओ, या फिर आप छोटा सा बर्फी के टुकड़े के साथ खिलाओ, जैसे कि मैंने आज उसको खिलाया बर्फी के टुकड़े के साथ। छोटी सी बर्फी का टुकड़ा था, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं था। ज़्यादा मिठाई एक्चुअली में देखो डॉग्स को दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ना फिर खुजली हो जाएगी, बट मेडिसिन खिलाने के लिए ना थोड़ी सी बर्फी का टुकड़ा खिलाना पड़ता है, सो दैट कि उसको फटाफट से वो दवाई को खा जाए बर्फी के टुकड़े के लालच के चक्कर से। ठीक है, क्योंकि मेरा वो वाला काम डन हो चुका है, और अब जो बारी है ना, बारी है कि मेरे को बैग्स पैक करने हैं। बाइक के अंदर पेट्रोल शेट्रोल भरवा चुके हैं, और वैसे तो मोटा मोटा बैग मैं सुबह ही पैक कर गया था, बट फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं, वो जो रहती हैं उसको पैक करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं आगे। ठीक है, जरा पहले बैग पैक कर लें।
ये ना उस दिन का ही सामान पड़ा हुआ है, मैंने हेमकुंड साहब से आके जो मतलब बैग वगैरह उठा लिए, बाकी की जो चीज़ें रहेगी वो रहेगी, और सारी चीज़ें ना अभी उसी दिन की पड़ी हुई हैं। तो अभी एक एक करके ना ज़रा सारी चीज़ों को सेट भी करना है, पहनना भी है ना। बाकी देखो हम जयपुर जा क्यों रहे हैं उसका जो रीज़न है ना आपको हमारे नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर पता लग जाएगा, किसी स्पेशल रीज़न के लिए जा रहे हैं। तो आप नेक्स्ट वाले ब्लॉग की ना वेट करना, आपको पता लगेगा और आपको मज़ा आएगा। पहले घूमते फिरते हुए मस्तियाँ मारते हुए जयपुर तक जाएंगे और देखते हैं क्या क्या होता है। ज़रा ये लीड लगा लें यहाँ पे, क्योंकि इसके बिना ना गुजारा नहीं होगा, है ना भाई। यहाँ पर ना हमारी बाइक के अंदर ना चार्जिंग प्लग दिया हुआ है और ये चार्जिंग लीड है, और यहाँ से हम ना बाइक के अंदर लगा देंगे, आराम से हमारा मोबाइल चार्ज होता हुआ नेविगेशन ऑन में जयपुर तक हमारे को बहुत बढ़िया वाला पहुँचा देगा। हाँ जी, ये वाला सीन है, ठीक है। हाँ जी, तैयारी है। क्या बात है, तू तो फुल हीरो शीरो बन के आ गया। सही है, चलो चल दे। आधा घंटा हो चुका है एक्चुअली, मैं अभी तक इस चक्कर से निकले क्योंकि हम बंदे हैं दो और हमने बैठना भी है, और एक बैग इसका है, और मैंने ना भैया दो बैग तैयार कर लिए थे। मतलब मैं इतना बड़ा वाला बेवकूफ़ हूँ कि मैं दो बैग रेडी करके ले आया हूँ, और मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि गुरप्रीत पाजी बैठेंगे यहाँ पे। दो बैग भी रेडी कर लिए, टॉप बॉक्स भी रेडी कर लिया, मतलब जैसे कि ना जाना मैंने सिर्फ एक दिन के लिए, कल सुबह वापस आ जाना, बट ना दिमाग में नहीं आया यार इतनी सारी चीज़ें हैं मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, गुरप्रीत पाजी ने भी जाना है। तो मैं हर बार ये बेवकूफ़ी कर जाता हूँ, इस बार भी मैंने ये बेवकूफ़ी कर ली। बट पाजी के आने के बाद ना मैंने दोबारा से ना मतलब सामान सेट करा है, और अपना एक ही बैग लेके जा रहा हूँ, बाकी का जो सामान था ना वो घर वापस छोड़ के आया हूँ। वीडियो नहीं बनाई जल्दी जल्दी के अंदर कि मैंने कहा यार फटाफट ना निकलते हैं सो देट की देर हो जाएगी, और फ्लैग ऑफ का 5:30 बजे का टाइम था, बट 5:30 हमारे यहीं बज गए हैं, तो पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएंगे। सो फटाफट से ना वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। बाकी ये वाला जो ब्लॉग है ना इसको मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना। देखो बाकी सारी चीज़ें ना अगले वाले ब्लॉग में दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने कहा इस वाले ब्लॉग के अंदर थोड़ी सी आपको हाईलाइट दे देते हैं कि आज हम निकल रहे हैं, दोबारा से रेडी हो गए हैं, बैग पैक हो चुका है, और आज हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए। क्यों जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर पता लग जाएगा। बाकी इस वाले ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर। थोड़ा मज़ा आएगा ना यार।